नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाइट एजुकेशन में। और आज एक नया सीरीज अब शुरू हो रहा है, क्योंकि देखिए हम लोगों ने लगभग 40 सेट आपको दे दिए हैं बिहार फायरमैन के प्रैक्टिस सेट को लेकर, जहां पे हम लोगों ने टॉपिक वाइज भी सारी चीजें शुरुआत की थी और वहां पे कुछ प्रैक्टिस सेट भी देकर उसको खत्म किया है। दोस्तों आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब आप लोग बिहार फायरमैन के जो प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, वहां पे आपको प्रैक्टिस सेट रोज दिए जा रहे हैं, तो उसको भी आप लोग जरूर देखें जाकर। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एक नए सीरीज का, जहां पर हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास से। जी हाँ दोस्तों, स्पीडी रेलवे, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था कि जो छात्र बिहार एसआई या बिहार फायरमैन का फॉर्म भरा है वो जरूर इस बुक को पढ़ेगा, तो यहां से इस बुक को हम लोग कवर करेंगे। अब लगभग 1600-1500 क्वेश्चन होंगे जो कि टिल आपके एग्जाम तक इसको कवर किए जाएंगे। आप लोग भी इस मॉक टेस्ट में बने रहिएगा। टॉप 30, टॉप 35 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, ऐसे करके यहाँ सीरीज बनाया जाएगा। तो साइंस यहाँ से हम आपको कवर करेंगे। जीके जीएस के लिए शाम को 8 बजे आप लोग हमारे साथ भी जुड़िएगा। जी हाँ दोस्तों, कहाँ तो बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट पे। चलिए, तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो छात्र एसएससी और आरआरबी के ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न का, और आप भी आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना शुरू कीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कहता है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो देखिए ये बात है दोस्तों 1896 ईस्वी की, ठीक है, फ्रांस में। यह नोट कर लिया कहाँ पे, तो फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक है दोस्तों हेनरी बेक्यूरेल, नोट कर सकते दोस्तों, जो कि इन्होंने खोज किया है किसका, हेनरी बेक्यूरेल ने खोज किया किसका, तो रेडियो एक्टिविटी का। यह नोट कर लीजिएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इट्स अ डी, यानी कि आंसर 4 है, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। डेट थोड़ा सा याद रखिएगा, क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 2 पे। दोस्तों क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसे कहा, किसने किया था। बिल्कुल ध्यान रखेंगे दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा, इट्स अ सी। जी हाँ, जोसेफ लिस्टर ने किया था। जोसेफ लिस्टर दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले, जी हाँ कब, तो ये 1727 से लेकर, जी हाँ दोस्तों सॉरी 1827 से लेकर 1912 तक इनका समय काल रहा है, ठीक है। और अंग्रेजी शल्य चिकित्सक भी रहे हैं ये, क्या है तो एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता इनको कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, लिस्टर, जोसेफ लिस्टर इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 3 पे। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष कौन था। बिल्कुल, हर सवाल का जवाब देने के लिए आपको समय दिया जा रहा है यहाँ पे, तो आंसर जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, होमी जहांगीर भाभा, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, अगर सवाल यहाँ पे होमी जहांगीर भाभा से बना है तो आपको बार्क के बारे में भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नॉलेज होना चाहिए, जिसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अभी ये सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो साइंस कवर कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। देखिए ये जो हमारा जो बार्क है ये क्या है, इसका ये जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का ही हम लोग बार्क कहते हैं, ध्यान रखिएगा। विशिष्ट जो वार्ताएं हैं स्त्री की, यहाँ पे स्त्री के एस व्यास, या नोट कर लीजिएगा के एस व्यास, ये इनका नाम है, सॉरी के एस व्यास, ठीक है, के एस व्यास जो है ये है अध्यक्ष अभी यहाँ पे फिलहाल, परमाणु ऊर्जा आयोग और सचिव के, जी हाँ दोस्तों इनको उपाधि दी गई यहाँ पे के एस व्यास को, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। इसका केंद्र पूछ सकता है कहाँ पर है, मतलब कि हेडक्वार्टर पूछ सकता है कहाँ पर है, तो आपको बताना होगा दोस्तों कि ये, जी हाँ दोस्तों, मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में है, किसका हो, यहाँ जहांगीर भाभा का, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो महाराष्ट्र मुंबई में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था। बिल्कुल, ये सवाल तो आपका गलत नहीं होगा ना, तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, आंसर कीजिएगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था दोस्तों। आंसर क्या कर लेंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कब किया था दोस्तों, 1905 में किया था, याद रखिएगा आज ही के दिन। दोस्तों आपको बता दें कि प्रसिद्ध जर्मनी वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनका दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चित फॉर्मूला रहा E=mc², नोट कर लीजिएगा दोस्तों E=mc², तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा सवाल तौर पे। सवाल नंबर 5 पे चलते हैं दोस्तों।
सापेक्षित का सिद्धांत किसने दिया था? बिल्कुल सापेक्षता कह लीजिए या सापेक्षित कह लीजिए, यह भौतिक शास्त्री थे, इसका जो गहन अध्ययन किए और इसका एक प्रभाव छोड़कर गए हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, आंसर ए कर लेंगे, आइंस्टीन नहीं, अल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि आधुनिक भौतिकी का पिता भी कहा जाता है। और इसको दोस्तों आपको बता दें कि सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने सन 1905 में ही दे दिया था। ये इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ से भी एक नोट कर लीजिएगा सेम क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 6, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स ए बेंगलुरु में है। जब आप बात होगी इसरो की तो ये कहाँ पर है दोस्तों, इसका अंतरिक्ष संस्थान जो है वो बेंगलुरु में है। बेंगलुरु दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटका की कैपिटल सिटी होती है और इस संस्थान में लगभग 17,000 कर्मचारी फिलहाल काम कर रहे हैं। 17,000 कर्मचारी ये कार्यरत हैं यहाँ पे। अच्छा दोस्तों, इसरो का स्थापना वर्ष पूछ सकता है एग्जाम में, तो बताइए इसका स्थापना वर्ष क्या था? तो बिल्कुल 15 अगस्त, डेट भी ध्यान रखिएगा, सन 1969 जो है इसका स्थापना वर्ष था। दोस्तों एक संस्था और है हमारा DRDO, ठीक है, ध्यान रखिएगा DRDO, तो इसका भी पूछ सकता है स्थापना वर्ष क्या था। 1958 था दोस्तों, इसका स्थापना वर्ष क्या था? 1958 था, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये DRDO है कहाँ पर दोस्तों? रक्षा अनुसंधान संगठन है ये DRDO, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये है बिल्कुल एक्चुअली DRDO कहाँ स्थित है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है ये सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका मुख्यालय जो होता है दोस्तों न्यू दिल्ली होता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे दोस्तों। क्वेश्चन है, चंद्रशेखर बेंटक रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? बिल्कुल देखिए, अभी बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, जो कि लूसेंट यहाँ पर सॉरी स्पीडी का ये साइंस का क्वेश्चन है सारा, तो ये सारे क्वेश्चन भी कवर करने, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, हो सकता है कि एक दो नंबर में आपके बिहार सिपाही में कॉन्स्टेबल ने पूछ लिया जाए, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन सेट, ठीक है। और ऐसा मत सोचिएगा कि अभी सेट प्रैक्टिस खत्म हो गया है, ठीक है, स्पीडी चलेगा। साथ ही साथ ये आप लोगों को बता दें कि जो छात्र यहाँ पे बिहार फायरमैन का फॉर्म भरे हैं उनके लिए मैं प्रैक्टिस सेट एप्लीकेशन पे दे ही रहा हूँ, उसके अलावा भी आपको संडे स्पेशल में भी इसका सेट प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ठीक है, फायरमैन का, ध्यान रखिएगा। तो 7 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स अ बी, सन 1930 चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1930 में दिया गया था सर। दोस्तों श्री सीवी रमन के नाम से जाने गए, या सीवी रमन इफेक्ट इनका था एक, जो कि भौतिक शास्त्री थे और इनको इसी के लिए नोबेल अवार्ड भी दिया गया था। उन्हें वैज्ञानिक के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त है और एशियाई होने का ये गौरव भी इनको प्राप्त है दोस्तों, ठीक है। पहला ऐसा एशियाई है जो एशियाई जो कि नोबेल विजेता है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए सवाल, अच्छा प्रकाश के क्षेत्र में ये अपना इफेक्ट बताए थे, ये भी ध्यान रखिएगा किस क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया था, तो प्रकाश के क्षेत्र में, ठीक है, प्रकाश के क्षेत्र में। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 8 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन कहता है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? बिल्कुल देखिए, नाभिक की खोज की अगर हम बात करें तो आंसर कर लीजिएगा इट्स ए, जी हाँ, जी हाँ, कौन? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है, इनका नाम था पूरा। कब किया था क्वेश्चन पूछ सकता है, तो सन 1911 में किए थे, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूछ लेगा कि परमाणु का खोज कब किया गया था, ये तो परमाणु का नाभिक का खोज किए थे रदरफोर्ड 1911 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन वैज्ञानिक के तौर पर अगर माना जाए तो ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन थे, तो डाल्टन ने परमाणु का खोज किया था, ध्यान रखिएगा। कौन थे ये? केमिस्ट थे ये, और ये जॉन डाल्टन का पूरा नाम है, और ये जो है दोस्तों आपको बता दें कि 1803 में इन्होंने इसका खोज किया था। तो GK भी यहाँ पे कवर हो रहा है, ध्यान रखिएगा, साइंस का तो है लेकिन साइंस का आगे सीरीज चलता रहेगा, साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। सूर्य के, देखिए साइंस का क्वेश्चन आ गया, सूर्य के द्रव्यमान 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, जी हाँ, इट्स अ बी इज द करेक्ट आंसर, चंद्रशेखर सीमा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन खत्म होने की ना, तो वहाँ से धीरे धीरे ठंडा होना शुरू होगा हमारा सूरज,
और अपने ही ईंधन को समाप्त कर चुका रहेगा। और सूर्य के द्रव्यमान 1.4 गुना से क्या तात्पर्य है, इसका द्रव्यमान वाले जो जितने भी तारे हैं, 1.4 गुना द्रव्यमान वाले जितने भी तारे हैं, चाहे वो सूर्य ही क्यों ना हो, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध स्वयं को ही नहीं संभाल पाते हैं। ऐसे में तारे जो है अंदर ही अंदर वो विस्फोट भी कर जाते हैं, जिसको हम लोग सुपरनोवा भी कहते हैं। ठीक है, जो अंदर अंदर विस्फोट कर जाए सुपरनोवा कहलाएगा। ठीक है, चलिए चंद्रशेखर सीमा वैसे आंसर कर लीजिएगा। यहाँ पे सवाल नंबर चलते हैं 10 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि केस्कोग्राफ नामक यंत्र किसकी खोज किसने की थी। वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये भी कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा, है ना। केस्कोग्राफ नामक यंत्र किसकी खोज थी, तो दोस्तों आंसर के लिए जगदीश चंद्र बोस की यहाँ पे खोज थी। आंसर हम ए कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक क्वेश्चन और पूछ देगा कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसका जो आविष्कार का श्रेय जाता है सूक्ष्मदर्शी का, वो जाता है दोस्तों नीदरलैंड के निवासी है जैकरियस जेनसेन। जैकरियस जेनसेन, ठीक है, यह याद रखिएगा। ओके, चलिए और इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 1590 में ये किया गया था, यह किसका, सूक्ष्मदर्शी का। लेकिन केस्कोग्राफ का बात करेंगे तो चंद्रशेखर जगदीश चंद्र बोस किए थे। ठीक है, जगदीश चंद्र बोस याद रख लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 11 पे। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है। एग्जैक्टली द हिस्ट्री ऑफ हिंदू, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, हिंदू साइंस एक केमिस्ट्री की किताब है दोस्तों, जो कि 20वीं शताब्दी के ऊपर भी लिखी गई है। और आपको बता दें कि दुर्लभ पुस्तकों में से एक है, जो कि प्रकाशित तो हुई थी। और इस किताब के लेखक कौन थे, तो याद रखिएगा दोस्तों आंसर कर लीजिएगा, मेघनाथ साहा। डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अब मेघनाथ साहा तो यहाँ जानेंगे, लेकिन ये प्रफुल्ल चंद्र ने भी इसके बारे में लिखा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और प्रफुल्ल चंद्र जो थे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे इसके बारे में द हिस्ट्री ऑफ हिंदू के बारे में लिखा, लेकिन जब द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस लिखा गया तो वो मेघनाथ साहा ने लिखा है। तो यहाँ पे आंसर थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू के बारे में लिखा है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू के बारे में, वो एक केमिस्ट्री की किताब थी जो कि प्रफुल्ल चंद्र ने लिखा है, ये आपको नोट करना होगा, प्रफुल्ल चंद्र ने लिखा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बता दें कि जो द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस अगर पूछ लेगा तो ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मेघनाथ शाह ने लिखा है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 12 पे। चेचक के टीके की खोज किसने की थी। बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, आंसर कीजिएगा, इट्स अ सी, जी हाँ, एडवर्ड जेनर ने की थी। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सन 1976 की घटना है ये, और चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया। दोस्तों एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे ये, और विश्व का इनका नाम भी प्रसिद्ध हुआ चेचक के टीके का आविष्कार करने में। तो इसी तरह कोई भाई कोरोना का भी कर दे, ध्यान रखा जाएगा आपको भी। सवाल नंबर 13 पे चलते हैं। किसने बताया दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, किसने बताया। बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था। ठीक है, जो कि भारत से आया है। और आपको बता दें कि अगर हम खगोल शास्त्रियों में बात कर लें तो दोस्तों यहाँ पे निकोलस कोपरनिकस का नाम आता है, जो कि पोलिस का यहाँ पे एक वैज्ञानिक है। लेकिन यहाँ पे आर्यभट्ट हम नाम लेंगे, क्योंकि जो है यहाँ पे ऑप्शन उसका हम बात करेंगे। और इसके सिद्धांत पर दोस्तों देखिए, निकोलस जो सिद्धांत दिया था ना, निकोलस कोपरनिकस जो सिद्धांत दिया था, वो क्या दिया था कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र के आराम कर रहा है, और यह पृथ्वी जो है अपने धुरी पर प्रतिदिन एक बार घूम जाती है और सूर्य के चारों ओर प्रतिक्रमा करती रहती है। ये हमें कोपरनिकस ने बताया, और पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती है, यह सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही बता दिया था, जो कि भारतीय थी। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 14 पे। न्यूटन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन है, यह दिखा नहीं यहाँ पे। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे जेम्स चैडविक। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, आंसर हमारा ए हो जाएगा। ये 1931 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, न्यूट्रॉन एक आवेश होता है जो कि किसी भी कण को और उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ साथ पाए जाने वाला एन से संदर्भ होता है ये, तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, एन से संदर्भित होता है न्यूट्रॉन को हम लोग करते हैं। तो 1931 में किया गया, और जेम्स चैडविक इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 15 पर चलते हैं दोस्तों। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था।
बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, जॉन डाल्टन ने किया था। मैंने आपको बताया परमाणु की खोज किसने की थी, ठीक है, अब कब की थी ये भी बताया था आपको, ठीक है। अभी हाल ही में परमाणु का सिद्धांत देखिए, अभी आपको अगर बता दें कि है ना सिद्धांत इसका प्रतिपादन किया था जॉन डाल्टन के द्वारा, ये तो आंसर ध्यान में रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे ना कि जो इसके परमाणु का जो आविष्कार था उसका उपयोग अस्त्र बनाने में कब किया गया, तो उसके भी जन्मदाता जॉन डाल्टन ही है, मतलब अस्त्र में इसका उपयोग किया गया 6 सितंबर 1766 से और 1844 तक इनका समय काल था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 1766 से लेकर 1844 तक इनका समय काल था, किनका, डाल्टन का, जो कि ये 913 वर्ष पूर्व ऋषि कणाद के वेदों को अपने सूत्र में भी शामिल किए थे, 913 वर्ष पूर्व ऋषि के, देखिए भारत से जुड़े हुए हैं ये ऋषि मुनि, तो ऋषि कणाद के जी हाँ दोस्तों, उनके वेदों का सूत्र अपने ध्यान में रखा और परमाणु की खोज की थी दोस्तों। सवाल नंबर चलते हैं 16 पे दोस्तों, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है, तो बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा चार्ल्स डार्विन इज द करेक्ट आंसर। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है चार्ल्स डार्विन 1859 ईस्वी, ध्यान रखिएगा दोस्तों 24 नवंबर, ठीक है, इसको रचना किया गया था, जिसके हिंदी अनुवाद भी किया गया बाद में, ठीक है, जो कि एक मौलिक वैज्ञानिक साहित्य और इसका विकास जो है संबंधी जीव विज्ञान में भी किया जाता है दोस्तों, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं 17 पे दोस्तों, क्वेश्चन है यहाँ पे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे दोस्तों 28 फरवरी को हम मनाते हैं, जी हाँ आंसर क्या कर लेंगे, डी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है भाई, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे दोस्तों, ये एक महान वैज्ञानिक का जन्म तिथि है। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले उनका नाम बताया है, ठीक है, तो उसके बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि भारत में मनाया जाता है इसलिए राष्ट्रीय लिखा गया, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, ठीक है। डॉक्टर सीवी रमन, यहाँ याद रखिएगा दोस्तों, उनके जन्म दिन के अवसर पर ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का हम लोग ये मनाते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 18 पे दोस्तों, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने किया है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, हेनरी कैवेंडिश ने किया है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, हेनरी कैवेंडिश ने किया है, कब किया है ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 1766 में किया था दोस्तों, याद रखिएगा। और ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हमें प्राप्त मिला था, क्या, तनु जो हमारा तनु अभिक्रियाशील है अम्ल, ठीक है, तनु अम्ल से हमें एक अभिक्रियाशील करने में, रिएक्शन करने में हमें ये मिला था दोस्तों, क्या, हाइड्रोजन। दोस्तों ध्यान रखिएगा 1833 में, फिर है ना 1833 में यहाँ पे लेविसिया जो एक क्षेत्र है इसके नाम से हाइड्रोजन का नाम रखा गया, जो कि इसका यह जो है ऑक्सीजन के साथ जलकर यह क्या बनाता है, तो जल बनता है, ठीक है, याद रखिएगा क्या बनता है, जल बनता है, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर या जल कर के है, ठीक है, तो क्या बनता है, तो H2O बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 1833 में हमें ये पता चला था। सवाल नंबर चलते हैं 19 पे, रक्त परिवहन की खोज किसने की, आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, रक्त परिवहन का आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी, बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा, ए विलियम हार्वे ने की थी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, विलियम हार्वे ने किया था और इससे पहले पता भी लगाया था, और हार्वे ने रक्त संचार के बारे में पूरी प्रक्रिया बताई, उन्होंने बताया कि मस्तिष्क भी इसमें भूमिका निभाता है, ठीक है, विवेचना करने में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 20 पे दोस्तों, क्वेश्चन है एक्सरे की खोज किसने की थी, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, WC रोंटजन ने की थी दोस्तों, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है ये एक्सरे, विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है, जिसकी खोज जर्मनी के वैज्ञानिक ने की थी दोस्तों, जिनका नाम है रोंटजन, WC रोंटजन, कहाँ के हैं ये, जर्मनी के हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। और दोस्तों वो कैथोडिक रेज ट्यूब का भी आविष्कार किए थे, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए इसमें गामा किरणें का खोज किसने किया था, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 1900 में फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक थे बेनरी बेकरूल, वो गामा का किए थे, बेकरूल के बारे में भी बताया ना पहला क्वेश्चन था, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का खोज किए थे बेकरूल, ठीक है, तो वही बेकरूल जो है हेनरी बेकरूल, वो गामा किरणों का भी खोज किए थे, ठीक है, कब किए थे, तो 1900 में किए थे, ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 21 पे, गति के जड़त्व के नियम का किसने प्रतिपादन किया, तो 21 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स जी हाँ, गति का जो जड़त्व का नियम है दोस्तों, आपको बता दें कि अगर हम बात करें जड़त्व के कानून का यानी कि उसके नियम का, तो ये गैलीलियो ने दिया था दोस्तों, ठीक है, आंसर क्या कर लेंगे, बी इज द करेक्ट आंसर।
अच्छा, उसके बाद दोस्तों बता दें कि गैलीलियो के जो विद्यार्थी और डेस्कार्ट्स थे, जो कि फ्रांसिस दार्शनिक थे और गणितज्ञ भी थे, और भौतिकी विज्ञान के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया धरती के जड़त्व का। तो आंसर हमारा क्या लेंगे, सर बी इज द करेक्ट आंसर। और न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो भी गति के जड़त्व के नियम के बराबर है, इसलिए उसको भी हम लोग यह कहते हैं इज इक्वल टू। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 22 पे। गति का नियम किसने दिया, तो 22 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों ए, न्यूटन ने दिया। इन्होंने गति का नियम दिया और गति का जड़त्व पूछ देगा, है ना, जड़त्व पूछ देगा, तो किसने दिया गति का जड़त्व का नियम, तो गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों दिया था 1687 में, ये आपको ध्यान रखना है 1687 में। अपना एक प्रिंसिपिया बुक है इनका, है ना, प्रिंसिपिया, जो कि इसमें बारे में वर्णन भी किया गया लॉ ऑफ मोशन के बारे में, क्या लॉ ऑफ मोशन के बारे में, तो ये आप नोट कर लीजिएगा यहाँ से। सवाल नंबर चलते हैं 23 पे दोस्तों। भारत का बोर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है, बिल्कुल आंसर कीजिएगा डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है दोस्तों। जी हाँ, बोर्ड्समैन जो है डॉक्टर सलीम अली को कहा गया है। इनका जन्म है जो है 12 नवंबर को हुआ है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों डॉक्टर सलीम जो है ये अब्दुल, इनका पूरा नाम है सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल, जो कि एक भारतीय पक्षी विज्ञानी है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है ये किस लिए जाने जाते हैं, तो ये पक्षी विज्ञान से संबंधित हैं। ठीक है, और ये संरक्षणवादी के तौर पर, प्रकृतिवादी के तौर पर इन्होंने सरजी बताई है। इन्होंने ही एक बार बताया दोस्तों कि यह डॉक्टर सलीम ने ही बताया कि जो रेज हैं, जो किरणें हैं, जो नेटवर्क से जो किरणें निकल रही हैं उसके चलते पक्षियां विलुप्त हो रही हैं, इन्होंने ही बोला था। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा, है ना, और विकिरण के चलते मतलब बताया था कि पक्षियों का मृत्यु ज़्यादा हो रहा है। और भारत में जो व्यवस्था है दोस्तों इसके रूप में पक्षियों का सर्वेक्षण के लिए पक्षियों पर ढेर सारे लेख भी लिखे गए हैं, पुस्तकें भी लिखी गई हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 24 पे दोस्तों। अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी, जल्दी से बताएंगे, अनुवांशिकी की कोड की खोज किसने की थी, बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों हरगोविंद खुराना, डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। अनुवांशिकता के अध्ययन में दोस्तों हम बात कर ले अगर, तो ग्रेगर जॉन मेडल का भी हाथ है, ये भी ध्यान रखिएगा, ग्रेगर जॉन मेडल का हाथ है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन उनकी उपलब्धियां थी उसमें आज, और आपको बता दें कि अनुवांशिकी के अंतर्गत जो है समाहित भी किया गया था इनको। लेकिन अगर खोज की बात की जाए तो सबसे पहले हरगोविंद खुराना ने किया था, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा यहाँ। सवाल नंबर चलते हैं 25 पे। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था, तो बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों इट्स ए डी, जी हाँ नोट कर लीजिएगा, गैलीलियो ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा आंसर क्या कर लेंगे, जी हाँ 17वीं शताब्दी में ही हॉलैंड के जो वैज्ञानिक हैं, हॉलैंड के मिडिल वर्क शहर में रहने वाले, जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि टेलीस्कोप का आविष्कार कर दिया गया था। ठीक है, दूरबीन ऐसा एक यंत्र है जिससे कि दूर की चीज़ें भी आसानी से हम पास से देख सकें, तो ये कौन किए थे, गैलीलियो किए थे। सवाल नंबर चलते हैं 26 पे दोस्तों। लाइसोजोम की खोज किसने की थी, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा सीडी दुबे थे, ये सीडी दुबे इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिए। लाइसोजोम की खोज किसने की थी, तो सीडी दुबे, 1955 की बात है, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों यहाँ पे। और ये क्रिश्चियन डी दुबे थे नाम है, सी फॉर क्रिश्चियन था, डी फॉर डी, और दुबे दुबे है ना, दुबे नहीं है वो, ध्यान रखिएगा। यह गोलाकार काय है जिसमें कि इसका आकार जो बताया गया था इन्होंने 0.4 म्यू बताया था से लेकर 0.8 म्यू तक। ठीक है, और आपको बता दें कि ये एक यूनिट हो जिसको होता है म्यू, जिसको कि हम लोग मेब्रेन में काउंट करते हैं, मेब्रेन कहते हैं म्यू को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 27 पे। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने किया था, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा इट्स अ डार्विन इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत यहाँ डार्विन ने दिया था, डार्विनवाद भी कहा जाता है। इनका सिद्धांत क्या था तो उसके बारे में आपने लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो चार्ल्स डार्विन का मत था ना कि जो प्राकृतिक क्रमिक है वो परिवर्तन द्वारा ही अपना विकास करती है। उनका मानना था कि हम सभी के पूर्वज एक हैं और हर प्रजाति, चाहे वो पेड़ हो या पौधा हो या जानवर हो, सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। और ये दोस्तों 1858 में बात इन्होंने बोली थी,
डार्विन अपने थ्योरी में बताया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ये इसमें इन्होंने बताया था कब, 1858 में। तो आंसर क्या कर लीजिएगा दोस्तों, चार्ल्स डार्विन, ये इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 28 पे दोस्तों, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, इट्स अ डी, जो उसने की थी, तो ध्यान रखिएगा सर्वप्रथम अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए वनस्पति सेल की बात करेंगे, ठीक है, हम लोग ये कवक तंतुओं के बारे में बताया गया, परजीवियों के बारे में बताया गया, और इसके सिद्धांत में दोस्तों शैवाल और कवक को मिलाकर लाइकेन बनता है, ये संश्लेषण करके बताया गया। तो ये तुलस्त्रेज थे, ये इन्होंने बताया था, डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा, 28 का आंसर डी कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं 29 पे, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, इट्स अ बी, लियोन हॉक ने बताया था, बी इज द करेक्ट आंसर, जी हाँ, और हॉलैंड के वैज्ञानिक हैं दोस्तों लियोन हॉक, ये ध्यान रखिएगा, और कब बताया था, तो 1676 में बताया था, ठीक है, नोट कर लीजिएगा यहाँ से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर चलते हैं 30 पे, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो बिल्कुल अलेक्जेंडर, यहाँ पे फ्लेमिंग का नाम याद रखिएगा, है ना, पेनिसिलिन का खोज, कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था दोस्तों, ठीक है, और इन्होंने, ये जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने की थी पेनिसिलिन की खोज, ठीक है। इनका जन्म दोस्तों 1881 में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम के थे ये, यूके के थे, और दोस्तों इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है, किसको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, शरीर विज्ञान और औषधि जगत के लिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 31 पे, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 31 का आंसर कर लीजिएगा, इट्स ए, रॉबर्ट हुक ने किया था, कब किया था, तो 1665 में किया था, जी हाँ, एक कॉर्क था, उसकी पतली परत थी, उसके ऊपर अध्ययन कर रहे थे मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठ पर, ठीक है, तो इन्होंने देखा वहाँ पे कोशा बना हुआ, तो रॉबर्ट हुक ने बताया यहाँ पर, यह कोशा से बना है कोशिका, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने कोशा भित्तियों के आधार पर ही कोशा शब्द का प्रयोग भी किया था, ठीक है, तो अब ये कोशिका के नाम से जाना गया। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 32 पे, इंसुलिन की खोज किसने की? तो ये क्वेश्चन अभी शायद मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो पेनिसिलिन था और ये इंसुलिन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंसर कीजिएगा, बेंटिंग एंड बेस्ट ने की थी, दो वैज्ञानिक थे, एक बेंटिंग थे एक बेस्ट थे, ठीक है, और ये दोस्तों सर्वप्रथम आणविक जीवशास्त्री थे ये, और जीवशास्त्री थे ये फ्रेडरिक सेंगर की खोज थी, और यह प्रथम प्रोटीन की खोज दोस्तों इनकी श्रृंखला भी पाई जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंसुलिन जो है प्राथमिक संरचना की खोज है ये, ठीक है, इंसुलिन जो है एक प्राथमिक संरचना की खोज है, ठीक है, जो कि जीवशास्त्रियों ने इसके बारे में बताया था दोस्तों। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा 1958, ठीक है, 1958 रासायनिक नोबेल पुरस्कार विजेता रहे, इसके लिए इसको सम्मानित भी किया गया, बेंटिंग और बेस्ट को, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, आंसर क्या कर लेंगे यहाँ पे, बी। सवाल नंबर चलते हैं 33 पे, गामा किरण की खोज किसने की? अभी मैंने बता दिया था आपको, ठीक है, तो ये 1900 की घटना है दोस्तों, फ्रांस के भौतिक शास्त्री थे हेनरी, जी हाँ दोस्तों, ओके, यहाँ पे आंसर उनका नाम ही नहीं है, पॉल विलार्ड दे रहा, नहीं गलत है यहाँ पे, है ना, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, हेनरी बेकरूल, मैंने शुरू में भी बताया आपको इसके बारे में, ठीक है, तो ये दोस्तों इन्होंने इसकी गामा किरणों की खोज की है दोस्तों, ठीक है, और इसके अध्ययन भी, विकिरण का अध्ययन भी किया है, जब परमाणु का नाभिक एक उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा के स्तर में जाकर रुक जाता है या क्षय हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग गामा किरणें का निकलना कहते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आंसर क्या करिएगा, हेनरी बेकरूल, मैं इसको सुधार दूंगा, है ना, पॉल विलार्ड दे रहा है यहाँ पे, तो ये आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 34 पे दोस्तों, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यह इट्स सी, अलेक्जेंडर ने की थी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, यह अलेक्जेंडर ने की थी, और रेबीज जो है एक दोस्तों आपका इसका वैक्सीन आया बाद में, और एक वैक्सीन की स्थिति में इसको देखा गया, और इसको पागल कुत्ता के काटने से, गीदड़ भेड़िया के काट लेने से, ठीक है, और ये मरीजों को अगर 72 घंटे के अंदर में रेबीज का टीका नहीं दिया गया या इंजेक्शन नहीं दिया गया तो इनकी मृत्यु भी हो सकती है, ये एक खतरनाक बीमारी थी जिसका टीके का खोज दोस्तों यहाँ पे किया गया,
किसके द्वारा, सॉरी मैंने बोला यहाँ पे लुई पाश्चर के द्वारा किया गया, ठीक है ध्यान रखिए, किसके द्वारा किया गया, लुई पाश्चर के द्वारा किया गया, सी बोल दिया मैंने, अलेक्जेंडर ने लुई पाश्चर के द्वारा किया गया। दोस्तों रेबीज रोग का खतरा भी होता है ये ध्यान रखिएगा, और टीके की खोज यहाँ पे रेबीज के टीके का खोज दोस्तों लुई पाश्चर ने किया था। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 35 पे। दोस्तों प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसने द्वारा प्रतिपादित किया गया था, प्राकृतिक वरण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये चार्ल्स डार्विन थे, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है मैंने इनके बारे में भी बताया अभी ऊपर आपको चार्ल्स डार्विन के बारे में, तो ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ से ये 35 प्रश्न जो है समाप्त होते हैं, आपके कितने उत्तर सही हुए नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दो क्वेश्चन यहाँ पे आंसर थोड़ा गलत था लेकिन उसको मैंने सुधार दिया है, उसको आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, वैसे मैं पीडीएफ में आपको दे दूंगा है ना, तो पीडीएफ में आप सुधार जरूर देखेंगे इसका, ठीक है। पीडीएफ आप लोग को दोस्तों एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप जाके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का, धन्यवाद।